पिछले दिनों पौड़ी जिले के श्रीकोट की रहने वाली एक युवती की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में पीड़ित परिजन के लिए न्याय की मांग को लेकर लोगों ने कलेक्ट्रेट के सामने नारेबाजी की। वहीं कलेक्ट्रेट के सामने जुटे लोगों ने हाथों में पोस्टर लेकर न्याय की मांग की है। पुलिस मामले की जांच के लिए टीम गठित कर रही है और अपराधी तक पहुंचने के लिए फॉरेंसिक अधिकारियों से सहायता ले रही है। पूरा युवा जो ये प्रकरण चल रहा है, हमें पता है कि हमारी बहन के साथ आज क्या स्थिति हो गई है और पूरा युवा एक हो चुका है। अगर दोषी को फांसी नहीं मिलेगी तो हम यहाँ पर पूरा धरना देंगे जितने दिन तक हो सकेगा, चाहे हमें रिस्क केस जाना पड़े। जिला प्रशासन, सांसद से लेकर प्रशासन और शासन दोनों के पास हम जाएंगे और जब तक दोषी को फांसी नहीं मिलेगी हम इस मामले में चुप रहने वाले नहीं है। क्या का विषय है कि इस देवभूमि में इस तरह की घटनाएं दिन ब दिन घटती जा रही है। ये पौड़ी का ही मामला नहीं है, विगत कई दिनों से एक कहरी वाला मामला भी सामने आ रहा है। ये हम लोगों के लिए, हम महिलाओं के लिए, मैं विशेषकर अपनी महिलाओं की बात करती हूँ कि हम लोग कैसे अपने आप को इस देवभूमि में, इस देवों की भूमि में हम लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। प्रशासन ने तो पहले संज्ञान में नहीं लिया, जब हम यहाँ पे डीएम साहब के कार्यालय पे पहुँचे उसके बाद ही आगे ये मामला आगे गया। हम सीओ के पास भी गए, ऊपर सीओ साहब के पास भी, वहाँ से भी हमने फिर दोबारा नहीं, उस दिन नहीं थे यहाँ पे, डीएम साहब नहीं थे।